वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी का अपडेट देने जा रहे हैं, जो कि SST की तरफ से अपडेट किया गया है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और इसके बारे में हम सारा डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण विश्लेषण अगर चाहते हैं और आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को देखें और आवेदन कर ले, चूंकि आवेदन करने का भी लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे हम आपको इन सब के बारे में सारा डिटेल जो है अप टू डेट कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और कोई भी डाउट आपके होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं। तो SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको बता दें कि 12 तारीख के डेट में यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन है फॉर द जूनियर इंजीनियर इन द सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड द क्वांटिटी सर्वेइंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है एक नई एग्जाम को लेकर, इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं। और ये जो है आपको बता दें कि इस फॉर्म को आवेदन करने का जो डेट है वो 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक एक्टिव है, यानी कि 12 अगस्त से जो है आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी कि आप इस फॉर्म को अब आवेदन कर सकते हैं। 2 सितंबर लास्ट डेट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 3 सितंबर तक आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं लास्ट, है ना, वो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चालान, ये भी आपका 3 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। उसके अलावा आप अगर विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि करेक्शन करना चाहते हैं, कोई भी त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने वगैरह में, तो 4 सितंबर तक आपको ये डेट मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ शेड्यूल किया गया है आपके कंप्यूटर एग्जाम टेस्ट को, यानी कि CVT टेस्ट लिया जाएगा इस एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि नवंबर में होगा। तो आपके पास समय काफी अच्छा मिल चुका है अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर। जी हाँ, लगभग अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर और पूरा नवंबर, नवंबर के एंड में हो सकता है कि आपका ये एग्जाम होगा SSC का। और शेड्यूल पेपर 2 का है यहाँ पे, जो कि अभी नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 भी इसका है। इस एग्जाम को क्लियर करते हैं आप SSC के प्रीलिम्स एग्जाम को, तो सेकेंड पेपर भी आपका लिया जाएगा यहाँ पे, जो कि कन्वेंशनल यहाँ पे पेपर होता है यहाँ पे। ओके, तो आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बात करें अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके लिए जरिए ये पोस्ट सारे निकाले गए हैं, तो यहाँ पे जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ब्रो में, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की जरूरत है और जूनियर इंजीनियर यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की जरूरत है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि ये वैकेंसी जो है इस डिपार्टमेंट से निकाली गई है, CPWD, तो जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे सिविल का और मैकेनिकल का जरूरत है। सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन की बात कर ले तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीनों के रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन पोस्ट निकाले गए हैं। उसके अलावा हम वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो एक और यहाँ पे कंपनी है जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, कंपनी नहीं कहे तो भारत सरकार के अधीन है ये सारे जो कंपनीज हैं, यहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर के सिविल मैकेनिकल के पोस्ट हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें नवल क्षेत्र में, यानी डायरेक्टरेट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस के सेक्टर में, तो यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी दी गई है। फरक्का बराज प्रोजेक्ट में यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की बात कर ले यहाँ पे MES में, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तीनों रिक्रूटमेंट यहाँ पे है। और नेशनल टेक्निकल यहाँ पे हम बात कर ले, यहाँ पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च यानी कि NTRO में, तो NTRO में भी यहाँ पे जो वैकेंसी है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। और आखिरी यानी कि नवा विभाग जो है हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड द वाटरवे, जो कि अंडमान, लक्षद्वीप और हार्बर में, यहाँ पे आपको जॉब का प्रोफाइल मिल सकता है करने को, यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो ये तीन ब्रांचेज है जहाँ पे इन सब की वैकेंसीज अपडेट की गई है। और वैकेंसीज विल बी द डिटरमाइंड ड्यू टू द कोर्स, जिस तरह का आपका कोर्स है उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे पोस्ट मिला जाएगा। और अपडेटेड वैकेंसी पोजिशन जो है ये विल बी द अपलोड इन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, जैसे कि आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे भी देख सकते हैं, या फिर इन सब के जो विभागीय यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है वहां पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज दे सकते हैं। रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे जो पोस्ट है, है ना, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो PH कोटे से आते हैं उनको भी सीट रिजर्व किया गया है यहाँ पे, तो वो भी छात्र यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे जो छात्र PH कोटे से आते हैं। और जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट होता है ये ग्रुप B पोस्ट के तहत यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाता है, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन फॉर द एक सर्विसमैन के लिए कैटेगरी में नहीं है। और यहाँ पे जो छात्र एग्जाम देंगे और एग्जाम देकर ये क्लियर करेंगे
और उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी एजुकेशन को लेकर उन्हीं को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। आगे चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो इस फॉर्म को भरेंगे, नेशनलिटी ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और नेपाली भूटानी भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, और जो छात्र 1 जनवरी 1962 से यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए क्यों ना हो, कनाडा से, केनिया से आते हैं तो भी आवेदन करेंगे। बट देखिए आप लोग मत आवेदन कीजिएगा, भारत के छात्रों को ही ये मौका दिया जाए यहाँ पे आवेदन करने को, ये बेटर हो बेहतर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2022 का एज कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि आप इस फॉर्म को 30 साल तक भर सकते हैं, यानी कि एज लिमिट जो है 30 साल तक दिया गया है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 30 साल एज लिमिट है और 1/1/2022 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, कट ऑफ डेट है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिविल में 30 साल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 30 साल, और जो आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है यानी कि CPWD, यहाँ पे भी आपको जो है एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, या 32 साल दिया गया है, जो छात्र हैं 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन की, तो यहाँ पे 30 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है इन तीनों के लिए। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो यह 32 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि इनकी वैकेंसी इस पदों के लिए है। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे 30 साल जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। फरक्का ब्राज की अगर बात कर ले प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे 30 साल है, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए 30 साल है, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यहाँ पे 30 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बाकी इसका भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के लिए भी 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ से जो है आप देखें और इसका आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आपका, ये जो है रिलेक्शन देने के लिए इन कैटेगरीज को, है ना, SC ST से हैं और PWD से हैं, तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, जो भी इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, इनका एज रिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे भाई, जो भी एज पर द गवर्नमेंट रूल, इस बात का आप थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। ओके, अब जो है यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये पोस्ट है और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सिविल वाले छात्र जो है, अगर आप BRO में जाना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, और अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको या तो सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दी पोस्ट। इसके साथ साथ लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात और रखी गई है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, किसमें, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये जो छात्र हैं इन सभी में आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डिप्लोमा है नहीं तो आप एज ए सिविल इंजीनियर फुल टाइम है तो सिर्फ फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं, BRO में ही जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन करेंगे, सेम क्राइटेरिया है, अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो ठीक है, नहीं तो अगर 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रख दिया गया है। अगला जो पोस्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल CPW के लिए है, यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री मांगा गया है सिर्फ, यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं जो छात्र फुल टाइम डिग्री के हैं, सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है CPW में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर ले CPW में, तो ये भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे और कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल इन पावर सेंट्रल पावर एंड रिसर्च स्टेशन के लिए जो वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, ये जूनियर इंजीनियर के पद के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे, कि अगर जो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे है तो उनका भी डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, ये ध्यान रखिएगा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, इसमें भी मैकेनिकल में आपका डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा का, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही है। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल पावर वाटर कमीशन को लेकर, तो यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर ले तो यहाँ पे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, यहाँ पे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ये ध्यान रखिएगा, पैरा नंबर 8 और 9 में डिग्री या डिप्लोमा दोनों वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है इन कैटेगरी ऑफ द मैकेनिकल और सिविल, है ना,
ये इन सभी विभागों में, ठीक है। और दसवां पोस्ट है यहाँ पे की, जो कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का मैकेनिकल, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस में नवल में यह वैकेंसी अपडेट की गई है, जहां पे आपकी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, या फिर अगर आप डिप्लोमा रखते हैं तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद 12वां, ये 11वां जो पोस्ट है, इसके लिए भी डिग्री है तो ठीक है इलेक्ट्रिकल में, नहीं तो डिप्लोमा है तो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप आवेदन करेंगे। और यहाँ पे फरक्का ब्रांच की वैकेंसीज की बात कर लें, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे बात कर लें तो डिप्लोमा मांगा गया है सब में, है ना, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है। अगर हम MES में, यानी कि बात करें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो डिग्री होनी चाहिए सिविल में, या तो फिर अगर डिप्लोमा कर रखा आपने तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका, सिविल इंजीनियर के वर्क को ध्यान में रख के मेंटेनेंस वगैरह में आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। उसके अलावा दो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल को लेकर नवल में, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिप्लोमा मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अगर बात करें, सेम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, और सेम मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे मैकेनिकल होना चाहिए, बट कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, जहाँ पे या जो वैकेंसी है मिलिट्री ऑफ पोर्ट्स के लिए शिपिंग एंड वाटरवे में, तो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सिर्फ डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, तो ये जो छात्र हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। द पोस्ट वेयर द एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, सच एक्सपीरियंस मस्ट बी द एक्वायर बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कंप्लीटिंग रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिस भी पद के लिए आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके साथ साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप उस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। आपका जो डिग्री है वो UGC यानी कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर NI जो आपका डिग्री है जो है वो यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तो भी आपका यहाँ पे सारा चीज चेक किया जाएगा। 2 सितंबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया हमने बता दिया है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया है। इस फॉर्म को भरने का फीस कितना लग रहा है, तो यहाँ पे वो चीजें मेंशन की गई है, आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे पैरा नंबर 11 मेंशन किया गया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉर्म कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको फॉर्म को भर के भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो है फोटो और सिग्नेचर का जो है स्कैन कॉपी वगैरह यहाँ पे रखना होगा, इस साइज में 20 से 50 KB में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इस डायमेंशन में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, और आपका जो सिग्नेचर है वो इस डायमेंशन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना, सिग्नेचर वगैरह 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और फॉर्म भरने का जो फीस लिया जा रहा है आपसे, 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अलग अलग कंपनी है यहाँ पे, तो जिनकी सैलरी जो है उनके अनुसार होती है ना, यानी कि वो 7 CPC के तहत तो आपका जो सैलरी अपडेट किया जाएगा, मान के चलिएगा कि यहाँ पे 35,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस HRDA आपको मिलेगा, तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे 30 से 35 या 40 हज़ार तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, ठीक है, ये आपको अपडेट किया जाएगा आपके जब आपकी जॉब अपडेट लगेगी तब। ओके, द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, है ना, अगर आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं और फॉर्म को करेक्ट करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। फॉर द मेकिंग करेक्शन द री सबमिटिंग द मॉडिफायर अप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 500 मेकिंग करेक्शन एंड द री सबमिट मॉडिफायर एंड द करेक्टेड द अप्लीकेशन द करेक्शन चार्ज विल बी द अप्लीकेबल ऑल द कैंडिडेट ई रिस्पेक्टिव देयर द जेंडर और कैटेगरी को लेकर। यानी कि देखिए, यह 500 रुपये की बात की गई है जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा अपडेट करते हैं तो, है ना, दूसरी बार अगर आप कुछ करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये चार्ज देकर आप यहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली करेक्शन चार्ज है ये यहाँ पे बताया गया, जिसको कि आप ऑनलाइन पेमेंट करके भीम UPI से या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से अपना पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे आपको जो रीजन वाइज दिया गया है देख सकते हैं, है ना, एग्जामिनेशन रीजन वाइज दिया गया है और इसका एड्रेस मेंशन किया गया है जो कि आपका सेंटर यहाँ पे होगा। जैसे बिहार के छात्र जो है यहाँ पे अगर आवेदन करेंगे तो उनको भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, बरेली और गोरखपुर और झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, तो ये जो है सेंट्रल रीजन के तहत बिहार और UP के सेंटर हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। आप इसी तरह जो है अपना जोन भी देख सकते हैं, उस जोन का एड्रेस भी देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, और ये सारे सेंटर्स देख सकते हैं जिस सेंटर्स पे आपको यहाँ पे सीट जो कि एग्जाम दिया जाए देने को भेजा जाएगा, तो ये एक चीज मेंशन यहाँ पे किया गया। देखिए PDF तो है बहुत लंबा यहाँ पे,
अगर आप एक एक चीज यहाँ पे ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना। बट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा यहाँ पे। पेपर 1 में आपका जो है ध्यान रखिएगा, ये क्राइटेरिया है क्वालिफाई का, बट यहाँ पे वैकेंसीज के लिए फॉर्म ज्यादा छात्र भरते हैं तो इसलिए कट ऑफ डिसाइड होता है, और कट ऑफ पार करिएगा तो ही आपका यहाँ पे पेपर 2 के लिए चयन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे। और पेपर 1 और पेपर 2 जो है ना, आपको अलग मतलब डेट मेंशन किया जाएगा पेपर 2 के लिए भी। तो ये सारी डिटेल है जो कि हमने आप तक साझा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप अपने पास फॉर्म भरने के वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैं इसका एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, ये सारी चीजें अप टू डेट करूंगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेझिझक। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।